मैं जीतने नहीं गया था, मैं एंजॉय करने गया था, अपना बेस्ट देने गया था। बिग बॉस नहीं, बिग बॉस मुझे ही बुरा लगता है। इट्स बेटर कि अभी ही बोलते हैं दवाई कड़ी पहले ही पी लो ताकि प्रॉब्लम ना हो। हमारे आर्ट की हम पूरी कंट्री पूरी दुनिया में हम अपने आर्ट को पहुंचा सके। फिर उसके बाद अगर आप तीनों लेवल पार कर जाओगे, तीनों ग्राउंड लेवल पार कर जाओगे, उसके बाद आपको होता है कलिंगा। देन उसके बाद आपका तो हमारे मन में भी पहले वो रहता था, तो जब वो हमारे आगे भी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें भी आगे लोगे नहीं करना। पहले तो मैं बता दूं अगर कंफ्यूजन है तो कि इस शो में मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं, बिहाइंड द कैमरा सुपरवाइज कर रहा हूँ। सारे एक्ट्स जो होंगे स्टेज पे आएंगे वो उन एक्ट्स की जिम्मेदारी मेरी है। ऑब्वियसली कोरियोग्राफर रहेंगे जो सब करेंगे, बट एक ओवरऑल एक सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर जो रहता है उस रोल को मैं निभा रहा हूँ इस सीजन में। एंड बहुत ही अच्छा शो है, बहुत ही अच्छे डांसर्स और टैलेंटेड आर्टिस्ट आते हैं हर साल, तो इस साल मजा आए। मेरे हिसाब से डांसर्स ही नहीं, हर एक इंसान कोई भी जॉनर कोई भी करियर चॉइस हो, आज के एंसर्स को ये कहूंगा कि मैं सबसे पहले तो हार्डवर्क देखता हूँ, पैशन देखता हूँ उस काम के प्रति, उस आर्ट के प्रति, एंड पेशेंस। आज के एंसर में पेशेंस ऑलमोस्ट जीरो है, रील की दुनिया सब कुछ फास्ट ही है, लाइक फॉरवर्ड, बट पेशेंस पैशन एंड हार्डवर्क इज व्हाट आई थिंक। मैं खुद गुजरा हूँ, मैं खुद लाइन में खड़ा हुआ हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा लेके चीजें हो जाती है ऑडिशन में, रियलिटी में सब सब फॉल्स है। बोलते हैं अंदर सकते हैं जो लोग सिलेक्ट नहीं होते शायद वो लोग करते। यस देयर इज अ टीम जो स्काउट करती है पूरे सालों, मतलब काम है कि टैलेंट स्काउट करना। आईपीएल भी आप देखते हो पूरे सीजन में अलग अलग क्रिकेटर्स अलग अलग जगह से कोने कोने से वो स्काउटिंग करते हैं, वैसे यहाँ पे टीम रहती है जो डांसर टैलेंटेड आर्टिस्ट को पूरे साल देखते रहते हैं, उनके वीडियोज आते हैं हम लोग वो वीडियोज पहले देखते हैं। वो सिलेक्ट हो गए नॉट डजेंट मीन कि हम लोग चीटिंग के लिए वो लाइन में खड़ा करते, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर 3-4 लेवल्स ऑफ ऑडिशन जो प्रॉपर बताया जाए रूल बुक में जाता है, ऐसे होता है, ये फॉर्मेट है जो हम सब फॉलो करते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो कल भी आए थे जो आज भी आए मेरे सामने, क्योंकि आज लेवल 3 है, तो कल लेवल 1, 2, 3, आज लेवल 1, 2, 3 हो रहा है। सो इट्स ऑल फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां पे भी यंगस्टर्स को मैं कोई भी इंसान बोले मैं प्रोडक्शन से या चैनल से मैं पैसे देखे तो मैं आगे लाऊंगा, सब गलत है, वो इंसान ही गलत है, आप कंप्लेन करो। बहुत जैसे कि अभी तो कैमरा ऑन नहीं है, हम लोग बहुत लोग मैं जब बोलता हूँ थैंक यू और मेरे थैंक यू में समझ में आता है वो लोग करेक्ट नहीं होने वाले, तो बुरा तो लगता है उन्हें, मुझे भी बुरा लगता है। इट्स बेटर कि अभी ही बोलते हैं दवाई कड़ी पहले ही पी लो ताकि प्रॉब्लम ना हो, तो सच जो है सिंधाई बोल दो, अगर अच्छे नहीं है तो नहीं। बहुत सारे लोग जो रिजेक्ट करके करते करते आगे बढ़े लाइक वो लोग, मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता, आई हैव टू बी ट्रू जिस चेयर में बैठा हूँ कि अगर कोई अच्छा नहीं है तो बोलना पड़ता है अच्छा नहीं। एंड कॉम्पिटिशन टच डांसिंग में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, आप सब देखते आ रहे हो, हर दूसरे दिन रियालिटी शो रहे, हर रियालिटी में 10-20 लोग हैं, सब अच्छे हैं, तो बहुत बहुत टफ है। तो अगर 10 को हाँ मिला है तो 1000 लाखों को ना भी मिला है, तो डिफिकल्ट होता है। एक्सपेक्टेशंस रियालिटी शो को लेकर डांस के प्रति तो बहुत हाई हो गई है। टच वुड अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया में डांसिंग का लेवल लास्ट मतलब कुछ सालों में इतना बढ़ गया, इतना फास्ट हो गया। मैं नसीब वाला हूँ कि मैं उस टाइम पे नहीं उस टाइम पे आया, बिकॉज हमारे टाइम पे तो डांसिंग अलग ही थी, अभी तो बहुत अलग लेवल की होगी, मतलब प्रॉपर इंटरनेशनल होगी और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है।
इस शो को लगी थी इंडिया बेस्ट डांसर, सही महीने में जैसा नाम है वैसा काम है, बेस्ट डांसर आते हैं, बहुत ही अच्छा शो है, टैलेंटेड लोग आते हैं, अच्छे एक्ट्स होते हैं, तो उसी को मेंटेन करते हुए एक्सपेक्टेशन हाई एंड सो फार सो गुड, अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट आए हैं जहाँ पे हम लोग के एक्सपेक्टेशन से मैच। मुझे एज एन एक्टर तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, एज एन एक्टर तो एज ए कोरियोग्राफर एज ए डायरेक्टर काफी काम चालू है, जैसे कि अभी श्रीकांत राजकुमार राव की जो फिल्म है उसके पूरा डायरेक्शन और कोरियोग्राफी मैंने की है, ऐसे बहुत सारे काम चीजें हुई है बिहाइंड द कैमरा, बिकॉज मुझे बिहाइंड द कैमरा ज्यादा पसंद है रहना, तो ये एक शो है, उसके अलावा टेलीविजन और मूवीज में काफी काम बिहाइंड द कैमरा है, म्यूजिक वीडियोज काफी डायरेक्ट प्रोड्यूस कोरियोग्राफ कर रहा हूँ तो वो है, काफी सारे गानों के साथ काफी म्यूजिक वीडियोज किए आने वाले चीजें तस्वीर अच्छी आ रही खतरे के खिलाड़ी। तो मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, हार जीत मैं बोलने के लिए बात हूँ, पर मैं जीतने नहीं गया था, मैं एंजॉय करने गया था, अपना बेस्ट देने गया था, उस चक्कर में मैं जीत गया, लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। यस, उसके बाद मैंने काफी चीजें फॉलो की है, पूरा नहीं फॉलो किया पर थोड़ा बहुत फॉलो किया है, इस सीजन में भी काफी लोग गए, कौन कौन गए, निमृत को जानते हैं, निमृत को जानते हैं, पतली हो गई है, ऐसे मैंने मेरे पढ़ा है, मैंने देखा नहीं, और लास्ट टाइम तो से पतला जा रहा हुआ मैंने सुना है ऐसा। हाँ, हम इतने लोग कोई डांसिंग बैकग्राउंड से नहीं है, इस साल कोई डांसिंग बैकग्राउंड से नहीं है, हाँ बिग बॉस नहीं, बिग बॉस भी नहीं है, मोहित मलिक है, कश्मीर है, नहीं मोहित मलिक नहीं, कश्मीर है, कश्मीर थोड़ा अगर डांस किया था झलक में, बिग बॉस आता है मुझे, मैं हर साल अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मेरे इस करियर के जोन में मैं रेडी नहीं हूँ बिग बॉस में जाना, हाँ मुझे आता है, मैं हर बार ना बोलता हूँ बिकॉज आई फील अभी जरूरत नहीं है मुझे जाने की, वहाँ पर दो आई लव द शो, मैं हर साल देखता हूँ, मैं कोरियोग्राफी भी बहुत बार करता हूँ उस शो की, तो आई एम रियली इन्वॉल्व विद द मेकर्स एंड द शो, आई रियली लाइक इट, मेरे काफी फ्रेंड्स भी गए उसमें, निशांत हो, जैस्मिन हो, अली हो, बहुत सारे लोग हैं, रुबीना हो, कितने गौहर, कितने लोग हैं, करिश्मा तन्ना जिनको नहीं जानता, कौन सा शो लैपटॉप भारतीय में नहीं लिया था जैसे कि उसमें पढ़ा हुआ मैंने, अली है उसमें, राहुल वैद्य है, लैपटॉप है, करिश्मा है, क्योंकि उनको नहीं लगा था मैं काफी मैं खाना बनाने में अच्छा नहीं हूँ पता नहीं, बट मेरा मन में सबसे हफ्ता जो रहता है, तो मेरा नसीब था कि मुझे खतरा खतरा मिला एंड खतरा खतरा ने बहुत सारा प्यार दिया, हर्षा भाटी से और क्लोज हुआ, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई जैस्मिन अली आज अकबर से, तो ऑलवेज कहना चाहूंगा शो को शो आई थिंक कल लॉन्च हुआ सैटरडे को एंड वो भी वो कलर्स प्यार है, ये सोनी पे आ रहा है इंडियाज बेस्ट डांसर, तो मैं जिस चीज के लिए बोलूंगा इंडियाज बेस्ट डांसर इस साल बहुत अलग होने वाला है, चौक में डांस प्लस में देखते थे हम, डांस प्लस में राघव बिजी था और उसको करना नहीं था, तो इस साल राहुल है एंड एज फार मूवीज में कंसर्न है तो रेमो सर के ऊपर है, बोल तो रहे उन्होंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी एबीसीडी थ्री की, तो अगर पार्टी और सर को लगता है कि मैं धर्मेश्वर आदव लायक हूँ उसमें टीचर करने के लिए, तो वुड बी मोर देन हैप्पी टू बी देयर, होपफुली हो गया, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा इस शो के साथ पहली बार मेल मिलाव है इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4, प्लीज गो एंड वॉच द शो बिकॉज इट्स गोना बी अमेजिंग, अभी आप बताएगा ताजा हाल ये है कि मैं टैलेंटेड आर्टिस्ट को नीचे देख रहा हूँ, ऑडिशन कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं, प्लीज गो एंड वॉच एंड शेयर योर लव द वे यू डू इट, थैंक यू।
all of us when we get to the very very overwhelming feeling because as जितने भी पार गए हैं पहले हम लोगों के लिए ये ड्रीम प्लेटफॉर्म रहा है कि हमें ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे जाना है जहाँ हमारे आर्ट के थ्रू हम पूरी कंट्री पूरी दुनिया में हम अपने आर्ट को पहुँचा सके और ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए मतलब हो गया। उसके बाद अभी हम लोग अदर साइड से हैं तो जब हम यहाँ पे अभी मुंबई ग्राउंड ऑडिशन में हैं और कंटेस्टेंट को देख रहे हैं कि सबको तैयारी कर रहे हैं और जो भी उसके साथ आए हैं इस सीजन में भी तो हम कहीं ना कहीं उनमें खुद को देख पा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है उनकी जर्नी के लिए भी और खुद के लिए भी बहुत ज्यादा खुश है कि फाइनली वी आर गेटिंग टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द अदर साइड एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस सीजन। आई थिंक जैसे कि शिवांशी भाई ने बोला कि हम बाकी कंटेस्टेंट में खुद को देख पा रहे हैं सेम ऐसे ही क्योंकि एक टाइम था कि हम भी ऐसी ऑडिशन देते थे सेकंड राउंड थर्ड राउंड और हम भी बहुत नर्वस होते थे जैसे कि सारे बाकी कंटेस्टेंट हैं मतलब उनको डर लग रहा है कि नेक्स्ट उनका है और उनको बेस्ट देना है तो हमारे मन में भी पहले वो रहता था तो जब वो हमारे आगे भी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें भी इतना ही डर लगता था और आई विल सीजन 3 इतना अच्छा गया और मैं चाहती थी भी बहुत सारे लोग मतलब न्यू आए थे लाइक न्यू अपने स्टाइल्स लेके आए थे और बहुत अच्छे अच्छे ऑडिशन दिए कुछ लोग नहीं हो पाए और बहुत अच्छा करने के बाद भी क्योंकि हो जाता है कभी क्योंकि कुछ कमी दी गई होगी
बट इस बार काफी लोग ऐसे आए हुए हैं कि जिन्होंने पहले कभी रियलिटी शो में ऑडिशन दिए ही नहीं है और जो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, और जिन्होंने दिए भी हैं बट वो कभी सिलेक्ट नहीं हुए, तो इस बार सब लोग अपना ट्राई कर रहे हैं. और आईबीडी सीजन 3 से अच्छा, या आईबीडी सीजन 3 बहुत अच्छा था, 4 में भी बहुत अच्छे कंटेस्टेंट आएंगे, तो 3 के एक्स कंटेस्टेंट मिलेंगे, 4 के मिलेंगे, तो बहुत क्रेजी होगा इस बार, क्योंकि इस बार का फॉर्मेट बहुत अलग है. इस बार एक्स कंटेस्टेंट्स भी हैं और जो अभी सिलेक्ट हुएंगे ऑडिशन में जो लोग वो भी हैं, तो मतलब इस बार 4 तो कुछ अलग ही आने वाला है. मतलब 4 में तो आउट ऑफ द बॉक्स हिट करने वाला है आईबीडी, बिकॉज फॉर्मेट में भी चेंजेस आए, तो ऑडियंस को धीरे धीरे पता चलेगी कि बहुत कुछ नया शुरू से ही होने वाला है, जिसमें हम लोग भी उसके बाल हैं, और उसके बाद जो अभी का टैलेंट है, पहले का टैलेंट है, जो वॉइसर्स हैं, सबके साथ बहुत नई नई चीजें आने वाली है सीजन में, जो हमें पता है ऑडियंस के लिए अनफोल्ड होने के लिए हम वेट कर रहे हैं. वी आर रियली वेरी एक्साइटेड. क्योंकि हमें बहुत एक्साइटेड है. मुंबई ग्राउंड ऑडिशन में इंटर हुए कैंडिडेट थे, और ये हमारे लिए मतलब बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम आईबीडी में जब आईबीडी के हिस्सा बने तब हम ये ऑडिशन से हो चुके हैं, और अभी हम देख रहे हैं कंटेस्टेंट्स को कि वो फिर मेहनत करके फुल आ रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है. हमें ऐसा लगता है कि ये सीजन में बहुत 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 ज़्यादा पोटेंशियल है, और मे बी इंडिया को शायद ऐसा कोई चांसिंग जरूर देखने मिलेगा जो अब तक इंडिया ने नहीं देखा. लोगों के पास पूरी टीम कांटेक्ट करती है, टैलेंट टीम कांटेक्ट करती है कि आप बेस्ट डांसर हो, आप अपना ऑडिशन दो और ट्राई करो अपना अच्छे आर्ट को अच्छे प्लेटफॉर्म पे शो करने के लिए. तो फिर जो लोग वीडियो से सिलेक्ट हो जाते हैं उनका सही है, और जो नहीं हो पाते उनको फर्स्ट राउंड देना पड़ता है ग्राउंड ऑडिशन के लिए. फिर उसके बाद अगर आप फर्स्ट लेवल पार कर लेते हो तो सेकेंड राउंड होता है, और सेकेंड राउंड पार करने के बाद फिर आपका होता है थर्ड राउंड, जो
कि मिक्स होता है, फर्स्ट डे आपको फर्स्ट सेकंड राउंड होता है, सेकंड आपको थर्ड राउंड होता है, फिर उसके बाद अगर आप तीनों लेवल पार कर जाओगे, तीनों राउंड लेवल पार कर जाओगे, उसके बाद आपका होता है कलिंग राउंड, देन उसके बाद आपका टीवी ऑडिशन, फिर वहां से आप सभी लोगों को पता ही क्या प्रोसेस होता है। हमारे जीवन में हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला है। हम इतना ड्रीम्स में सोचते थे कि हम ऐसे कोई प्लेटफॉर्म जाएंगे जहाँ पूरे इंडिया के घर घर तक पहुंचेंगे, इंटरनेशनली पहुंचेंगे हमारे टैलेंट, तो वो सब हुआ है हमारे जीवन में। और मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे उससे बहुत ज्यादा प्यार मिला है। तो ऑडियंस से हमारी अपील है कि सीजन फोर भी बहुत तेजी आने वाला है, तो आप लोग अपने डेट मार्क कर लो और जैसे आपको पता चले पूरे टीवी के सामने बैठ जाओ और पूरे दिल से सपोर्ट करो, क्योंकि हम वो जर्नी से गुजरे, हमें पता है कि हमें क्या मेहनत करना पड़ा और उसके आप लोगों को प्यार मिला। तो अभी जो कंटेस्टेंट है वो भी मेहनत मेहनत करते हैं, तो आप प्लीज उन्हें फुल सपोर्ट करिए और हमारा सपोर्ट करिए। एंड पहले से हर टाइम जब भी न्यू रियलिटी शो आता है, हर टाइम उसका लेवल अप ही होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे उतनी क्रेजी डांसिंग नहीं थी जितनी अब होती जा रही है। तो अभी अब 10 साल बाद देखोगे तो अब हमारा उतना अच्छा ही लगेगा और अच्छा था। लाइक मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो हार्डवेयर प्रतीक में आगे तक पहुँच रहे हैं, नई नई चीजें दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या चल रहा है, तो आप सब लोगों को सपोर्ट करो। एंड क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और ज्यादा हार्डवर्क चालू होते हैं, क्योंकि जो आईडी है उसमें डाटा ही बनानी पड़ती है, फोटोज भी करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप सबको सपोर्ट करेंगे तो उनको भी मन में ये रहेगा कि हाँ, हम जिस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं उनसे हमें प्यार मिल रहा है। और मैं तो आया हूँ सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि लास्ट सीजन इतना ज्यादा कंपटीशन था और कुछ हमारे फ्रेंड्स भी थे जो नहीं हो पाए थे सिलेक्ट, और वो इस सीजन आया फिर से। और उस टाइम पे ऐसा होता ना कि फॉर्मेट ऐसे ही कि सिर्फ 11 या 12 लोग ही सिलेक्ट हो सकते हैं, तो इस साल वो लोग आएंगे और इस सीजन का भी लेवल बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि पिछले साल के हमारे दोस्तों ने दोस्तों बताया, वैसे भी हमारे हम बाहर सिखाते रहते, तो हमारे स्टूडेंट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। डांस की कम्युनिटी बहुत छोटी सी है हमारी, तो हम ऑलमोस्ट सब डांसर्स को जानते हैं, तो हम जितनी हमारी हम हेल्प कर पाए लोगों की, आज से पहले 1 महीना पहले से ऑडिशन चल गए तो हमने सबकी हेल्प करी है यहाँ तक पहुँचने तक, जितना जहाँ से भी अगर कहीं बाहर बैठे हैं तो वहाँ से भी हम वीडियो कॉल पे या कैसे भी उनकी हेल्प करके यहाँ पे भी मिलके उनको मोटिवेट कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, बाकी उनकी मेहनत और है जो उनको आगे लेके जाए। इस सीजन में बहुत कुछ नया होने वाला है, क्योंकि अभी हमने ऑलमोस्ट सारे ऑडिशन देख लिए और अच्छा टैलेंट आया है इस बार भी, क्योंकि ऐसे ही होता है कि जब भी नेक्स्ट सीजन आता है तो हमेशा टैलेंट क्या है और प्रिपेयर होके आता है, बच्चे और प्रिपेयर होके आते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। और पिछली बार बहुत प्यार मिला है ना, तो इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं और लोग उनको बहुत पसंद करेंगे। और भी शो पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शो पे और भी कुछ नया होने वाला है इस बार, और हाँ जो अभी हम रिवील नहीं कर सकते, थोड़ा सा चीज़ों में चेंज है और लोगों में चेंज है, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे या क्या माने, क्योंकि जैसे 2-3 सीजन निकल गए और हम डांसर यही है कि प्रिपेयर करते रहते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अब सीजन 3 इतना ज्यादा हाई चला गया, चीजें चली गई, तो अब हर डांसर ना अपने हिसाब से सीजन देख के और ज्यादा प्रैक्टिस करके रहता है कि और सीजन ये वाला अच्छा जाए, टॉप जाए, तो इस सीजन में बहुत अच्छे डांसर आए और हमसे भी ऊपर लेवल चले जाएगा। हमारे
हमारे बहुत चीजों में बदलाव आया है, मतलब काम के काम पे हम लोगों पे जो हम बाहर जाते हैं लोग पहचानते हैं, चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है। जब घर पे चेंज हो जाता है इतनी बड़ी चीज के बाद, जब घर वाले चेंज हो जाते हैं तो बाहर से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कि जैसे आपने पिछला सीजन देखा आपको बहुत मजा आया, हमको बहुत मजा आया था कि आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया, देखा हर पूरा एक एक एपिसोड देखा। मैं कहूँगा कि इस बार आपकी नज़र में बैठेगी, मैं बता रहा हूँ बहुत ही मजा आएगा आपको और बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होने वाली है जो अभी हम नहीं बता सकते। और अगर ये सीजन मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। हाँ क्या मजा डबल हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू। Thank you.